और रुख करें खबरों की ओर। उससे पहले आपको सीधे राजसमंद लिए चलते हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी की चुनावी सभा में सीपी जोशी मौजूद हैं। वीरता का उदाहरण अलग छोड़ा, जब भी आप आ रहा भारत देश में नारी शक्ति तो जन जोगू आरी तक ही है। आज के जमाना में आप कह सका कि जो घर और परिवार ने संभाले, जो घर की मर्यादा, घर रो नाम ऊंचो रखे, जो घर रे बाने हर जगह पूछे, अबे लोग आओ नहीं चावे भाजपा में, तो अबे हमारे अविनाश जी कहो के भाई साहब अठे ज्वाइन करे तो करो। तो एक तो है रामलाल जी देवासी जिला सचिव कांग्रेस पाली, हटके कर भाई, एक है वो भाई डालचंद कुमावत पकड़ा है, डालचंद किया है फायर करो, छह घंटा या 12 घंटा रो सीज फायर करायो, सब टावरा ने लेन आया, लेकिन बाद में मने अगर तुलना करें, मैं सोचता हूं कि ऐसा कार्यकाल पहले किसी सरकार का राज्य सरकार का नहीं रहा, जो इस बार माननीय सीपी जोशी के नेतृत्व में तो राजस्थान में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बना है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, चुनावी घोषणा पत्र को पहले ही दिन से चालू किया, 450 रुपए में सिलेंडर, चुनाव से पहले का वादा था, चुनाव में मंत्रिमंडल बनने के चुनाव के जज्बात को लागू किया, किसान सम्मान निधि को 6000 से 8000 किया, पेपर माफिया पर नकेल कसने के लिए SIT का गठन किया, और जो जो नकल माफिया गिरोह था जो थानेदार बनने के लिए चले थे उनको कांस्टेबल ने घसीट घसीट के जेल की सलाखों में पीछे लाने का काम किया है, ये राजस्थान सरकार का है अपराध।